अगर असली मर्द है, अगर असली मर्द है तो सच बोलता है, तो वो चैट तू दिखा। हेलो गाइस, पवन सिंह के साथ एक सुमिया पोखरेल जी का गाना आने वाला था, जो कि अब नहीं आएगा। जो पवन सिंह जी का इवेंट था उसमें इनवाइट किए थे, सुमिया पोखरेल जी को बुलाए थे, जिसमें वादा किए थे कि मैं आपके साथ एक गाना करूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्दी तुम्हारे साथ एक गाना मैं करूंगा। उसी वादा को पूरा करते हुए सुमिया पोखरेल के साथ वीडियो शूटिंग भी हो गया था, जिसमें 4-5 लाख तो खर्च लगा ही होगा वीडियो शूटिंग करने में। शूटिंग होने के बाद फिर भी रिलीज नहीं होगा भाई लोग, क्यों? रीज़न क्या है भाई लोग? क्योंकि पवन सिंह के जितने फैंस थे वो नाराज हो चुके थे और पवन सिंह का विरोध करने लगे थे, और कमेंट भी उल्टा था, कमेंट भी कर रहे थे। इसी चीज़ को देखते हुए पवन सिंह जी अपना फैसला बदल दिए, बोले कि जब मेरे जो फैंस हैं वो पसंद ही नहीं करेगी इनके साथ गाना, तो मैं क्यों गाना करूँ। जो कि शूटिंग होने के बाद भी इस फैसले को बदल दिए, जो कि पवन सिंह जी अपना जो खर्च जो उनका हुआ है नुकसान सहते हुए भी इस फैसले को बदल दिए और दूसरे हीरोइन के साथ वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, और दूसरे हीरोइन के साथ वीडियो देखने को आपको मिलेगी, जो कि 3 से 4 दिन बाद वो रिलीज करेंगे। तो आप लोग बताइए भाई लोग कि क्या ये पवन सिंह जी गलत किए कि सही किए? जो इन्वाइट किए थे सुमिया पोखरेल जी को, उसमें एक इंटरव्यू देखे हैं सुमिया पोखरेल जी का, कि इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया था, तो ऐसे करके बुलाया गया था, जो कि पवन सिंह जो कि सुमिया पोखरेल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिनके साथ हैं, जिनके साथ रह रही हैं, उनके साथ अच्छे से काम करिए, पवन सिंह के साथ अच्छे से काम करिए, या खेसारी लाल जी के साथ अच्छे से काम करिए। ऐसा नहीं कि खेसारी लाल के पास जाइए तो पवन सिंह की बुराई बताइए, पवन सिंह के पास जाइए तो खेसारी लाल जी की बुराई बताइए, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, जो कि वो गलत है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए भाई लोग, क्या सुमिया पोखरेल जी गलत कर रही हैं, क्या सही कर रही हैं? बाकी दूसरे हीरोइन के साथ आपको वीडियो देखने को मिलेगी 2 से 3 दिन के बाद पवन सिंह जी का, तो आप लोग गाना सुन के बताइएगा गाना कैसा है, अच्छा है, ख़राब है। ठीक है भाई लोग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।